हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनीमे बस के एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक बोरुटो। बोरुटो एनीमे ब्रेक पे जाके थोड़ा टाइम हो चुका है और उसका कमबैक के बारे में लोग स्पेकुलेट भी करने लगे थे कि शायद से 6 महीने का ब्रेक होगा या फिर 12 महीने का ब्रेक होगा। बट हमें ऑनेस्टली कुछ अभी तक अपडेट नहीं मिला है कि कितने महीने का एग्जैक्टली एनीमे ब्रेक पे जाने वाला है। हम ये स्पेकुलेट जरूर कर रहे हैं कि बोरुटो का जो पार्ट 2 होगा वो हमें पूरा फाइट दिखाएगा ऑफ द फ्यूचर, मतलब जो कवाकी और बोरुटो के बीच में जो एपिसोड 1 में जो फाइट चल रहा था वो जरूर हमें पार्ट टू में डाउन द रोड जरूर देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि जो पार्ट 2 का स्टार्ट होगा वो पूरा ये फाइट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, यानी कि जो वापस से जब एनीमे व्यूअर्स को उनको गेन करना होगा तो भी इस वजह से वो इस फाइट को ओपनिंग में ही रख देंगे शायद से, यानी कि जो मांगा का एंड होगा अभी शायद से टाइम स्किप होने के बाद ज्यादा चैप्टर्स नहीं लगेंगे कि ये फाइट को स्टार्ट होने में इन द मांगा। तो क्या आप भी मेरे जैसे एक्साइटेड हो टू सी द ओल्ड बोरुटो एंड कवाकी फाइट ऑफ ईच अदर इन द ओपनिंग ऑफ बोरुटो पार्ट 2? अगर मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन है तो मैं तो चाहता हूँ कि बोरुटो का जो एनीमे है वो 3 या 4 साल के लिए ब्रेक पे चला जाए, और उससे लंबा गया तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि उसके जो मांगा है उसको टाइम मिलना चाहिए। और अगर एक बेस्ट एडवाइस देना चाहूंगा मैं किशिमोटो को तो फिर ये रहेगा कि उसका जो मांगा है उसे मंथली से एक वीकली एनीमे में शिफ्ट कर दो, वीकली मांगा में शिफ्ट कर लो। इसके क्या होगा कि हमें ज्यादा फास्ट चैप्टर्स मिलेंगे और हमारे पास एक ज्यादा सोर्स मटेरियल रहेगा, इस वजह से हमें एक अच्छा खासा फिलर्स देखने को भी नहीं मिलेंगे ज्यादा। और जैसे वन पीस का रहता है उसी सिमिलर वे में हमें एनिमे एपिसोड भी देखने मिलेंगे। देखते हैं अभी ये क्या फॉलो करते हैं और बोरुटो का पार्ट 2 कब रिटर्न करता है। जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं जरूर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे सिमिलर कंटेंट के साथ। सी यू गाइस अंटिल लेटर। अरिगातो।